हीरेडिटी सुना है आपने? व्हाट डू यू मीन बाय हीरेडिटी एंड इवोल्यूशन? पहले वेरिएशन था, पता है आपको, नाइन्थ क्लास में? ओके, हीरेडिटी का मतलब क्या होता है? जब कैरेक्टर्स, या कैरेक्टर्स हो सकते हैं, जीन्स हो सकते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, मैंने आपको बताया था F1 जनरेशन टू F2 जनरेशन, मतलब पेरेंटल जनरेशन से जब बेबी होता है तो उसमें वो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। मान लेते हैं जैसे आपके पेरेंट्स की जो आंखें हैं या फिर नाक है आपके जैसी दिखती है, फेस भी आपके जैसा दिखता होगा। सो इसमें क्या होता है, द कैरेक्टर विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू द जीन्स और DNA, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है क्रोमोसोम्स, क्योंकि क्रोमोसोम्स एक जीन का पार्ट है। बेसिकली जीन्स आपको पता होगा, जीन्स बनते हैं थ्रू द DNA, DNA से क्या बनते हैं, जीन्स। और कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि किसी की हाइट हो गई या फिर किसी का कलर हो गया, वो कैरेक्टर्स है। फिर आता है एक ट्रेट्स, आपने ट्रेट्स सुना होगा, ट्रेट्स मैंने बताया था लास्ट ईयर। तो ट्रेट्स क्या होते हैं, अगर किसी की हाइट लंबी है जिसको हम टॉल बोलते हैं, एक होता है ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब छोटा, मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था, एक लॉन्ग ट्री है एक छोटा ट्री है, आपने शायद लॉन्गेस्ट पर्सन के बारे में भी सुना होगा और टॉलेस्ट पर्सन के बारे, ये स्मॉलेस्ट पर्सन के बारे में भी सुना होगा जो होता है वर्ल्ड में, है 7 या 8 फीट के। हाँ, तो उसमें हाइट का डिफरेंस क्यों आता है, बिकॉज ऑफ कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स होते हैं या जीन्स होते हैं उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या देखेंगे हम, सबसे पहले कि किस तरीके से न्यूक्लियस में क्रोमोसोम फॉर्म होता है और उसमें क्या क्या फेजेज आते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम का यूँ समझ के चलते हैं कि एक मान लो कि हमने एक ये कपड़े सिलने का वो गिट्टी आता है ना, गिट्टी जिसमें जिसमें हम क्या करते हैं, धागा लपेटते हैं, इसी तरीके से ये क्रोमोसोम ऐसे मान के चलो वो गिट्टी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, धागा लपेट रहे हैं, लेकिन वो धागा किसका है, वो धागा है DNA का, समझ में आया। तो अभी हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके का दिखता है और वो धागा, वो धागे के अंदर होता क्या क्या है, ठीक है। इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन रहते हैं, इसके अंदर आपको ये न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड आपने सुना होगा शायद, न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं पहले इसमें क्या क्या है। ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। ये देखो हिस्टोन, बेसिकली DNA में प्रोटीन भी फॉर्म होता है। डीएनए में क्या, जो RNA आपने सुना होगा न्यूक्लिक एसिड, तो उसके अंदर बेसिकली वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। कहाँ पर, जो राइबोसोम्स होता है, क्योंकि उसके फुल फॉर्म में क्या आता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो मतलब राइबोसोम्स के अंदर से वो फॉर्म हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ द हिस्टोन प्रोटीन। देन उसके बाद क्या है इसमें, क्रोमेटीन, क्रोमेटीन के बारे में सुना होगा आपने। क्रोमेटीन का मतलब क्या है, देर आर, देखो क्रोमेटीन क्या रहता है आपने सुना होगा, दिस इज क्रोमेटीन एंड दिस इज सेंट्रोमियर, क्रोमेटीड्स बोला होगा ना मैंने आपको, क्रोमेटीड्स एंड देन दिस इज द सेंट्रोमियर, इसको क्या नाम देंगे हम, सेंट्रोमियर, दिस इज सेंट्रोमियर, इसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। ये जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, इसको क्रोमेटीड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमेटीड्स। ये जो है जिसमें क्यू आर्म होता है, एक होता है पी आर्म, मैंने आपको बोला था नाइन्थ क्लास में, मैंने बताया था एक क्यू आर्म होता है एक पी आर्म होता है। इसमें अलग अलग फेजेस भी आती है, एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, ये सब बताया था मैंने आपको एक एक करके, वो PDF एक्चुअली डिलीट हो गया है, बाकी इसमें आप डायग्राम्स में मिल जाएगा आपको, मैं बताऊंगा आगे। इसके बाद देखो इसमें क्या क्या है, ये तो हो गया क्रोमेटीन, देन इसके बाद इसमें है न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम मतलब किस, उससे इससे क्या मीनिंग है, न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या हो सकता है, न्यूक्लियस प्लस क्रोमोसोम से मिलके, बेसिकली ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है, इसके लिए इसका नाम क्या रखा गया, न्यूक्लियोसोम। देन इसके बाद इसमें ये कोर वाला पार्ट है, दिस इज़ द कोर, एंड देन DNA दिख रहा है, ये देखो डबल हेलिक्स, डबल स्टैंडर्ड, मतलब इसके अंदर बेसिकली दो स्ट्रैंड्स होते हैं ऑफ नाइट्रोजिनस बेस, ATGC, मैंने आपको बताया था, एडेनाइन, थायमाइन, गुआनाइन एंड साइटोसिन, ठीक है। चार नाइट्रोजिनस बेस होते हैं और
इसके अलावा इसके अंदर मैंने आप शायद आपको बताया भी था कि इसके अंदर फिर जो tRNA है वो तीन तीन स्ट्रेंड्स में ये बनाएगा, क्या बनाएगा, पेयर्स बनाएगा, और उससे फिर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगी, मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। सो इसको क्या बोलते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब DNA, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये DNA हो गया। और डबल हेलिक्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, देखो दिख रहा है आपको राउंडेड स्ट्रक्चर, सो दिस इज़ द हेलिकल स्ट्रक्चर, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, या फिर क्या बोल सकते हैं, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है क्रोमोसोम, देखो अभी जो मैंने इसमें दिखाया है ये शायद ऐसे ही दिख रहा है, ऐसे ही दिख रहा है ना आपको, सो ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, और ये क्रोमेटिड्स है, सिस्टर क्रोमेटिड्स बोला जाता है, आपने मुझे पूछा भी था कि ब्रदर क्यों नहीं बोलते, सो दीज आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। हाँ, इसका मेजरमेंट कितना होता है, कितना होता है, हाँ 1400 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या है, नैनोमीटर का मीनिंग है 10^-9 meters, 10^-9 meters इसकी विड्थ होती है, मतलब ये इतना चौड़ा होता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी भी विड्थ दे रखी है, देखो सबकी विड्थ आपको इसमें दी गई है, ये कितना है 700 नैनोमीटर, मतलब 700 × 10^-9 meters, ठीक है। इसकी भी विड्थ दी गई है 300 नैनोमीटर, समझ में आया, ये क्लियर हो गया मॉडल। हाँ, इसके बाद आ जाते हैं इसमें, अभी आपको जो मॉडल दिखाया था उसके अंदर मैंने ये सब चीज़ें बताई थी, ठीक है, जिसमें सेंट्रोमियर था, क्रोमेटिड्स था, सिस्टर क्रोमेटिड्स, एंड देन उससे DNA फॉर्म हो रहा था, मतलब उसी का एक DNA पार्ट है, किसका, क्रोमोसोम का। अब ये मिलता कहाँ पर है, ये मिलता है न्यूक्लियस के अंदर, किसके, एनिमल सेल, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पार्ट्स है मैं एक एक करके बता देता हूँ, इसमें न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक अभी दिखाई दे रहा है, हाँ ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या फॉर्म होता है, बेसिकली मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, होता है कि नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस के यहीं पे आपको दिखेगा, यहाँ पर ये जो है, सुनो, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, यहीं पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स, आपने सुना होगा राइबोसोम्स के बारे में, सो राइबोसोम्स के अंदर बेसिकली राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री जहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, ठीक है। सो न्यूक्लियस क्या करता है, पूरे सेल को एडमिनिस्ट्रेट करता है, मतलब कि पूरे सेल का जो मुखिया है वो कौन है, न्यूक्लियस, यहाँ पर जिस तरीके से एटम का मुखिया रहता है ये क्या न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, उसी तरीके से जो एनिमल सेल है या प्लांट सेल है उसमें भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसमें आपको शायद सेकेंड पार्ट दिख रहा होगा जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं, एक होता है RER, RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक होता है SER, SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ का मतलब क्या है कि जहाँ पर राइबोसोम्स आ गए, राइबोसोम्स यहाँ से इधर स्प्रेड हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, वो रफ हो जाएगा, क्योंकि उबड़ खाबड़ सरफेस हो जाएगी ना किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की, तब जाके क्या बन जाएगा, RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, समझ में आया। क्योंकि मोस्टली ये जो न्यूक्लियस है इसी के अंदर ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम चलता है, यहाँ पर प्रोटीन बनता है, देन उसके बाद उस प्रोटीन को, मतलब उस प्रोटीन को DNA में ट्रांसफ़र किया जाता है, देन DNA में आपको पता चल गया होगा कि DNA में एक बार ट्रांसफ़र हुआ प्रोटीन, देन सारे बॉडी पार्ट्स को वो प्रोटीन मिल जाता है, क्योंकि एक हर सेल ये काम करेगा, क्योंकि आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स है उन सब में क्या मिलता है, उन सब में आपको सेल तो देखने को मिलेगा, क्योंकि विदाउट सेल आपका बॉडी फॉर्म नहीं हो सकता, आपको पता है इस बारे में। तो बेसिकली आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स है या जितने भी ऑर्गन्स है सब जगह सेल है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो प्रोटीन सिंथेसिस जो होगा वो न्यूक्लियस के अंदर होगा, समझ में आया।
नेक्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, समझ में आया? ये देखो इसमें लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कंटिन्यूस मेम्ब्रेन सिस्टम दैट फॉर्म्स अ सीरीज ऑफ फ्लैटन सैक विद इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल मतलब एडवांस सेल जो एक एनिमल सेल में होती है. प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव सेल जो पहले जो यूनिसेलुलर सेल्स होती है. बेसिकली मल्टीसेलुलर सेल्स में सेल्स को बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं हम. ठीक है. सर्व्स अ मल्टीपल फंक्शन बीइंग इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग एंड मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन. तो ये क्या करेगा, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करने का ये सब का काम कौन करेगा? ईआर में होगा क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे साइटोप्लाज्म बाद में चलो. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, गोल्गी एपरेटस. तो मेनली आपको क्या बताना था मुझे कि ये सब के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे हम सेल्स के बारे में, लेकिन अभी हमको क्या चाहिए सिर्फ कि जो प्रोटीन है या फिर जो डीएनए है वो कहाँ पर मिलता है. वो मिलता है सिर्फ यहाँ पर, सिर्फ दो पार्ट हम पढ़ेंगे, एक तो न्यूक्लियस और ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. समझ में आया? तो बेसिकली इसके अंदर ही प्रोटीन सिंथेसिस होने का काम चलता है. स्पेशली जहाँ पर राइबोसोम्स होगा वहाँ प्रोटीन फॉर्म होगा. मैं आपको बता देता हूँ अब नेक्स्ट डायग्राम जो है उसके अंदर क्या है. नेक्स्ट डायग्राम में देखो, शायद आपको दिख रहा होगा इसके अंदर यहाँ प्लांट सेल ली गई है. आप एनिमल सेल भी यूज़ कर सकते हो. दोनों के अंदर प्रोटीन फॉर्म होता है. क्या प्लांट्स में प्रोटीन होता है कि नहीं? होता है. तो इसके अंदर भी आपको शायद दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक प्लांट सेल है जिसमें न्यूक्लियस दिखाया गया है. देखो ध्यान से देखो, और न्यूक्लियस के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर इस पर्टिकुलर हिस्से में बन रहा है. समझ में आया? देखो ये यहाँ पर बॉक्स बनाया गया है न्यूक्लियस के पास ही. देखो दिखा, हाँ, उससे ये स्ट्रक्चर बनाया गया है. मतलब इसके अंदर ये सारा सिंथेसिस होता है. अब ये सिंथेसिस है क्या वो समझो. इसमें सबसे पहले क्या होगा, अब आपको ये तो पता चल गया कि क्रोमोसोम से डीएनए बन रहा है. देन उसके बाद डीएनए को जो प्रोटीन मिलता है या फिर डीएनए जो फॉर्म होता है वो किस तरीके से फॉर्म होता है उसके बारे में हम जानेंगे इस वाले डायग्राम में. ठीक है. अब इसमें क्या हो रहा है देखो, सबसे पहले जो एमिनो एसिड्स है, एमिनो एसिड्स कहाँ मिलते हैं हमको? एमिनो एसिड्स हमारे बॉडी को मिलते हैं थ्रू द, अब आपको मैंने बता दिया था शायद, अमाइंस और एसिड जब आपस में मिल जाते हैं, बेसिकली जो भी आप खाना खाते हो स्पेशली जिसमें प्रोटीन्स होते हैं उनसे आपको एमिनो एसिड मिलेगा, या फिर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू भी एमिनो एसिड्स मिलता है. ठीक है. मैंने आपको बताया था कि आपको आपके बॉडी को प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स इन सब की ज़रूरत होती है. तो एमिनो एसिड्स आपको मिलेंगे और आपके जो साइटोप्लाज्म है मतलब सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा, एक मिनट, हाँ, सेल का साइटोप्लाज्म मतलब क्या, हाँ, सेल का साइटोप्लाज्म मतलब जो भी ऑर्गेनलीज है उसके अलावा जो स्पेस है यहाँ पर वो सब साइटोप्लाज्म है. उसके अंदर एमिनो एसिड्स घूमते रहते हैं. तो उन एमिनो एसिड को यहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करेगा? यहाँ तक पहुँचाने का काम करेगा टीआरएनए. मैंने आपको बताया था एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए. तो बेसिकली यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि न्यूक्लियस तक ये जो एमिनो एसिड है वो कौन पहुँचाएगा? वो पहुँचाएगा टीआरएनए. ठीक है. लेकिन वो एमिनो एसिड को उठाएगा किधर से? वो उठाएगा उसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, मैंने आपको बताया वो यहाँ पर फ्लोट करते रहते हैं एमिनो एसिड. तो वो एमिनो एसिड को पिक करेगा, वो भी कितने, तीन एमिनो एसिड को एट ए टाइम वो पिक करेगा टीआरएनए. अब वो दिखता कैसा है मैंने आपको बताया था, एक कॉम जैसा एग्जांपल आप ले सकते हो, जो ये टीआरएनए है ऐसा एग्जांपल ले सकते हो कि कॉम को आपस में अपने आपने दो कॉम को मिला के एक फिक्स कर दिया. कॉम मतलब जो कंघी आप यूज़ करते हो वो, एक ऐसा एग्जांपल लेके चल सकते हो. तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइबोसोम जो होगा सिंगल स्टैंडर्ड जो ये रहता है बेसिकली, इसके इसमें सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड होता है. मतलब आपको दिख रहा होगा डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, दोनों तरफ से ये पैक होता है, लेकिन सिंगल स्टैंडर्ड का मतलब है सिर्फ एक सिंगल होगा. सिंगल मतलब उसमें सिर्फ एमिनो एसिड्स होंगे
एक ही कोडोन होगा जिसको कोडोन बोला जाता है. कोडोन मतलब कोड्स होते हैं, ATGC के कोड्स रहते हैं ये, ठीक है. आपको दिख भी रहे होंगे, देखो ATGC ऐसे कोड्स लिखे हुए हैं.